का भगत सिंह की 115वीं जयंती आज। पीएम मोदी बोले, हमें बहुत प्रेरित करता है उनका साहस। सरकार ने पीएफआई पर लगाया बैन। अरुण सिंह बोले, देश की अखंडता के लिए जरूरी थी कार्रवाई। पीएम मोदी ने किया याद। अयोध्या में एक चौक का नाम लता मंगेशकर रखे जाने पर जताई खुशी। रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा बैठक आज से। रेपो दर में हो सकती है एक और बढ़ोतरी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए टीम की घोषणा। वार्नर सहित कई खिलाड़ियों की हुई वापसी। मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। जानकारी के मुताबिक लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन पीएम मोदी वर्चुअली शामिल होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन राम कथा पार्क में किया जाएगा। इसके साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। बता दें कि अयोध्या के महान संत महंत और जनप्रतिनिधियों को भी जिला प्रशासन ने इस उद्घाटन समारोह पर आमंत्रित किया है। बदायूं में आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिलाधिकारी दीपा रंजन और अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के साथ पुलिस अधीक्षक नगर ने पुलिस लाइन स्थित सभागार में ग्राम चौकीदारों के साथ गोष्ठी आयोजन किया। इस गोष्ठी के दौरान वहां पर मौजूद सभी चौकीदारों को समस्याओं को सुना गया और इसके निस्तारण के लिए मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। बुलंदशहर में नवरात्रि के चलते भारी पुलिस बल और एंटी रोमियो टीम के साथ एसएसपी श्लोक कुमार ने खुद शहर के हालातों का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने बच्चों में चॉकलेट और फ्रूटी भी बांटी। बता दें कि इस अभियान के दौरान एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी, सीओ सिटी विकास प्रताप और सीओ सियाना वंदना शर्मा मौजूद रही। नवरात्र को लेकर पूरे जनपद भर में पैदल गश्त और चेकिंग की जा रही है, खास करके ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे कि महिलाओं और बच्चियों का आवागमन ज़्यादा है। आज एंटी रोमियो टीम के साथ यहाँ शहर के मुख्य बाज़ार में पैदल गश्त किया जा रहा है। साथ ही साथ दशहरे के इस खुशी के पर्व पे बच्चों से खुशियाँ भी बांटी गई है, जिसमें उनको कुछ बिस्किट चॉकलेट इत्यादि दिए गए हैं। बुलंदशहर के कस्बा सियाना में अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर एसडीएम मधुमिता और सीएससी प्रभारी सुनील कुमार ने छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालकों में हड़कंप मच गया। इसके साथ ही एसडीएम ने अल्ट्रासाउंड सेंटर पर अहम दस्तावेजों की भी जानकारी ली। मैं और एसडी मैडम दो अल्ट्रासाउंड सेंटर पर हम लोगों ने छापा डाला है, जिसमें से दोनों पे ही कोई भी डॉक्टर बरामद नहीं मिले। द टाइम ऑफ अल्ट्रासाउंड वहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं थे, बाकी स्टाफ वहाँ पे प्रेजेंट था, कोई डॉक्टर वहाँ पे अल्ट्रासाउंड नहीं चल रहा था। तो दोनों पे जांच पड़ताल करने के बाद एसडी मैडम ने जितने भी वहाँ पे मरीज बैठे हुए थे सबको पैसा वापस और रजिस्ट्रेशन रुकवा के डॉक्टर को कॉल किया गया, लेकिन वो नहीं थे वहाँ पे। अब यही देखते हुए वो अल्ट्रासाउंड सेंटर्स को भी फिलहाल के लिए बंद किया गया है, देव अल्ट्रासाउंड और सहारा अल्ट्रासाउंड को। और इसी बारे में हमने सीएमओ साहब को एक वो लिख के दिया है, एप्लीकेशन लिख के दिया है, जिससे आगे वो उचित कार्रवाई कर सके। लखीमपुर खीरी में नकहा और एरा के बीच नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें मौके पर ही 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे की जानकारी होते ही जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आनन फानन में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें कि हादसे में लगभग 20 से 25 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक सड़क हादसे में प्राइवेट बस और डीसीएम के बीच टक्कर होने से ये हादसा हुआ है।
अलीगढ़ टप्पल थाना क्षेत्र के लालपुर गांव में मुखबिर को शराब तस्कर की खबर देना महंगा पड़ गया। बता दें कि मुखबिर ने पुलिस को शराब तस्कर की खबर दी और उसके बाद तस्कर ने मुखबिर की जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए घायल मुखबिर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। ये नगर पंचायत के स्टाफ हैं, इनके साथ अभी कहीं कूड़ा फेंकने के कारण जो है लड़ाई झगड़े हुए और इनकी मारपीट हुई है। ये हमारे अस्पताल में अभी 1-2 बजे आए हैं और इनका ट्रीटमेंट दे दिया है, साथ में हमने मेडिकल भी कर दिया है। सर, क्या कोई नैनीधार से कोई हमला किया गया है इन पर? छोटी इंजुरी है, सर ऑब्जेक्ट है, लेकिन इंजुरी सिंपल है। जैसे कि मैं सुबह ट्रैक्टर चला के नगर पंचायत के गया था, तो एक लेडीज इमरजेंसी एकदम नीचे उतर गया, तो मैंने ट्रैक्टर दबाया तो उनका पल्लर सा और खींच गया, तो फिर उनकी वो गाड़ी वाली देने लगे उसके भंग गए, तो ट्रैक्टर दिख के चला जा रहा ये वो कोई बात ना, फिर मैंने क्या चला वो जाने बाद और भीड़ भाड़ हो गई। फिर मैं आया बाजार के सामान लेने के लिए, नहीं भैया ने कुछ में कहा हो, तो भैया ने दाल वाल पी रखी जा रही कुछ, तो जहाँ पीने के बाद उनने मैंने भैया तुम गाली वाली पूछ रहे तुम इतने बार उन्होंने चक्कू मार दिया, चक्कू मार दिया, फिर 2-3 दिन और मेरे साथ दाल पिया, उन्हें दुकान में खेल लिया जबरदस्ती, उन्हें मारा पीटी करी, उन्हें थाने पकड़ के गया। संभल के थाना कुड फतेहगढ़ क्षेत्र अंतर्गत गांव घूम नगर का है, जहां पर पीड़िता ने बीते 10 सितंबर को दबंगों के घर में घुसकर मारपीट करने और कपड़े फाड़ने जैसी वारदात को अंजाम देने के मामले में थाने में तहरीर दी थी, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने अपने मामले की जाँच कर कार्रवाई कराने के लिए मुख्यमंत्री पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई के लिए मदद की गुहार लगाई है। मेरे देवर को घर में घुस के उन लोगों ने मारा, मुन्नालाल श्यामू और मुकेश रामू, इन लोगों ने मेरे देवर को घर में घुस के मारा। मैं बचाने आई तो मुझे बुरी नीयत से दबोच के मेरे कपड़े वपड़े सब फाड़ दिए और मुझे भी सर में डंडा मारा और बहुत बुरी तरीके से मुझे मारा घर में घुस के उन लोगों ने। मैं थाने गई, मैंने शिकायत करी तो थाने में ये लोग हैं दूसरे पक्ष के वकील लोग हैं, तो उनके उनने पैसे वैसे दे दिए होंगे, तो उनमें थाने में कोई सुनवाई नहीं थी मेरी, मुझे वापस कर दिया। छोटा वाला घर पे गेट पे था, दोपहर के टाइम में गाय में पहुंच गई थी, तो हमारे ससुर हैं उनने गाय मार दी थी, तो उनका मुन्ना लाल का लड़का ये बोला करे गुड्डा तेरा सर उतार लेंगे हम, छोटे वाले को बर्दाश्त नहीं हुई तो मतलब अपने गेट पे खड़ा हो, तो इन लोगों ने ये कही थे कि सारे को यही रहता है इसे और मारो, हमारे घर पर बड़ा वाला लड़का रहता नहीं है, वो रहता है बाहर, तो ये बहू वहीं पर थी, वहीं लड़का था, वहीं पर इन लोगों ने उसे मारा, तो ये बचाने गई थी घसीटते ही ले गए इसे अपने गेट पर डाल लिए थे ये दोनों। फिर हम जब घर पर गए, घर से गए थे, तो ये सब लोग बुरे हालत से थे। अयोध्या में कैंट थाना क्षेत्र के फतेहपुर सरैया में नवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर मां दुर्गा पर अश्लील कमेंट करने वाला युवक राजेश पासवान गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक फेसबुक पर युवक ने मां दुर्गा पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर कैंट पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। उसका नाम राजेश पासवान बताया जा रहा है, उसने एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है, इस संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आपने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से कई असामाजिक तत्व जो है समाज में अशांति और जो सौहार्द का वातावरण है उसको समाप्त करने का प्रयास करते रहते हैं, इसके लिए हमारा मीडिया जो मॉनिटरिंग सेल है वो लगातार एक्टिव है, जिसमें जिस भी इस प्रकार की कोई भी अफवाहें या कोई उत्तेजनात्मक असत्य बातें को यदि प्रेषित करता है तो उसके विरुद्ध तत्काल जनहित करों से खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ में मसूदाबाद बस स्टैंड के पास एक टेम्पो चालक को टीएसआई ने बहुत बेरहमी से पीटा और उसका टेम्पो सीज कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस मामले की शिकायत पास के थाने में जाकर की गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारियों का हवाला देकर मामला रफा दफा करने की कोशिश की गई, जिस पर वहां मौजूद टेम्पो चालक के स्पोर्ट्स में पदाधिकारी ने इस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सीओसीटी और ट्रैफिक इंस्पेक्टर को आरोपी के खिलाफ लिखित में तहरीर दी गई, जिसके बाद ट्रैफिक इंस्पेक्टर की विभागीय कार्रवाई
करने के आश्वासन देने के बाद मामला शांत हुआ। एक जो है ट्रैफिक पुलिस का व्यक्ति है जो सनकी टाइप का है और वो सनकी टाइप गाड़ी को टेम्पो को कम से कम 3 बार बंद कर चुका है और चौथी बार कल किया है और तीसरी बार और कल शराब के नशे में धुत होकर के इसको इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा है। इस तरीके की जो तानाशाही है, चाहे वो कोई भी एक्स वाई जेड अधिकारी हो, नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। ये सपा की नहीं भाजपा की सरकार है। मेरा कहना यही है कि आप गाड़ी बंद कर सकते हैं, अपनी कलम चला सकते हैं, लेकिन किसी को मार नहीं सकते। हम केस ट्रैफिक पुलिस में सिपाही हैं और वो उन्होंने क्या किया, हमारा एक कार्यकर्ता है कमल सोनकर, उसके साथ मारपीट की है और डंडों से मारा है उसे, उसका चालान कर दिया। हम बिल्कुल कार्रवाई के खिलाफ नहीं है, लेकिन मारने का अधिकार सरकार में किसी को भी नहीं है। ये सपा सरकार नहीं है जो निर्दोषों को पीटने का काम करती है, ये भाजपा की योगी सरकार है। हमने आज भारतीय जनता पार्टी ने उस सिपाही के खिलाफ में तहरीर दी है। गाड़ी 2 बार सीज कर दी गई है। किसने करी थी? ये सुनील कुमार TSI है। कहाँ पे करी थी? ये सूदने चौराहे करी है। अभी कल जो सीज करी है मैं प्रेजेंट में, ये कल मेरी 5 बजे करी है, यहाँ करी है, ये तहसील के सामने आगे करके मसूदा और मुझसे 32 का मतलब बोली गई है। और टेम्पो साइड में लगवाएगा, मैं सब टेम्पो जैसे मेरे साइड में लगा उतरा तो मैं टेम्पो खदेड़ के ये धक्का तो यहाँ मारा था, ये सर मेरा उसमें रोड में लगा, फिर मेरा होश आया थोड़ा सा, फिर मैं थोड़ा सा होश में आया तो उसको पकड़ के ये थप्पड़ थप्पड़ मारा, धे थप्पड़ धे थप्पड़ धे थप्पड़ धे थप्पड़, तो हमसे भागेगा थप्पड़ मांडे। फिर उनसे एक होम गाड़ी थे माँ मारा पीटी पीट कर घुसे ला, मैं जान बजा के टेम्पो स्टार्ट ही जान बजा घर भागा हूँ, भैया बोला ने इतने भैया बोला के मैं वहाँ से आया तो टेम्पो स्टार्ट मैं लेके थाने में सीज कर दिया। रायबरेली के सरेनी थाना क्षेत्र में अवैध लकड़ियों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसकी चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल इन दिनों पुलिस व वन विभाग के कर्मचारियों की मिली भगत से अवैध लकड़ियों की कटान चरम पर है। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली और चालक को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। जो दो सड़का से लालपुर रोड है, वैष्णो माता मंदिर के पास में एक ट्रैक्टर से एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 2 बच्चे, एक अजय कुमार पुत्र कमलेश कुमार, सचिन पुत्र गंगाधर, दोनों का एक्सीडेंट हो गया, जिनको तुरंत स्थानीय लोगों द्वारा एवं 112 की सूचना गाड़ी के द्वारा जिनको तत्काल लालगंज CSC पर भेजा गया है। बाकी तहरीर प्राप्त हो रही है, तहरीर प्राप्त होने पर जो भी होगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।